हाँ जी दोस्तों, ये हुण मैं तुहानूं लास्ट वीडियो आ चुगा सिटी दी। काफ़ी मैं कोशिश की मोमेंट कैच करन दी। गुरद्वारा साहिब आ जिथे 41 सालों तो चुगा सिटी का कीर्तन गुरपुरब मनाते आ रहे ने लोग। चुगा सिटी दे बहुत सेवा करते मतलब कि बहुत लंगर लगे होंगे आ। उन्हां दा ध्यान लोगों नू खवाउण च हुंदा वा ते लोगों दा ध्यान खाण च हुंदा। सब तरह के दुनिया ते लोग हैगे आ, दानी कोई भिखारी कोई दानी, ये चलदा रहना है। जिंदगी इदां ही हैगी आ। या मैं कोशिश कीती कैच करनी मोमेंट, ये सनी दा कर आ जिवें वह वड्डा बेटा वा। तुसीं कई सालों तो तुसीं नहीं देखिया हैगा भी कई बार गिले शिकवे तो दूरियां बननियां हैगियां, तो फिर खून कट्टिया कट्टिया नहीं जांदा, खून खून ही हुंदा वा। फिर भावें थोड़ा ही मिलो वह भी एक मिलना बहुत वधिया लगता हैगा। जरूरी नहीं कि तुसीं नाल ही रहना या 24 घंटे मिलते रहना तो फिर ही रिश्ते हुंदे आ। रिश्ते दूर भी होन पर दिलों में प्यार और इज्जत हो तो ही नफ हों। चलो पर आज बसिटी के मेले तो अं काफ़ी आनंद किया। साडा मत के 3 दिन का सी, बहुत ज़्यादा छोटा ट्रिप सी मेरी जिंदगी का, क्योंकि मैं बहुत बारी साल च मैं 2-2 बारी इंडिया गई हाँ, 2-2 बारी कई बार 6-6 महीने बाद, और मैं हमेशा महीने तो ज़्यादा ही टाइम रह के आँगी। मैं इस करके ज़्यादा टाइम रह के आँगी कि मैं इंजॉय करूँगी, तो जे थोड़ा होया तो इंजॉय नहीं कर सकना। ना 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 ना, ये तो भुल ही जाओ। जे तुम जिंदगी का इंजॉय करना तो तुम एक दिन विच पूरे साल जिन्ना इंजॉय कर सकते। इंजॉय का मतलब होंगे कि सैटिस्फैक्शन, तुहाडे मन की खुशी। इंजॉयमेंट ये नहीं कि खाना पीना, जिहड़ी चीज़ तुहाडे मन को सैटिस्फाइड करे, जिहड़े तुहाडे दिल को खुशी देवे, वो पल जिंदगी दे इंपोर्टेंट होंगे। आ चुगा सिटी का छोट स्टोर आ, पहले तो स्टोर एक ही जगह लगे। मैं ये लाने के जिते कुड़ियों दुकाना ने उन्हों की पसंद दियाँ पसंद के भी है हथियार जो उन्होंने पसंद होंगे। कड़ाह प्रशाद ली लोहे की कढ़ाई भी है, जिन्नियां औरतां ने उन्नी आदमी आ। इंडिया तो लो ना तो काफ़ी एक्सपेंसिव होंगी, $25। एक हमेशा जो ही मेले से आओ तो चीज़ा खरीदो, बहुत नाइस है। फिर मैं काफ़ी मतलब के इतने बहुत लोग ही इतने भी अं आलमोस्ट 2 दिन इतने गए गए दुकाना वेखन लिए। मतलब जिन्हें लोग दरबार साहब के अंदर बैठे ही ना, उन्ने ही लोग इन्हों दुकाना के उत्ते शॉपिंग जी इतने नहीं होंगे तो तुम सोचो कि क्राउडड हों के अंदर बहन की जगह ही नहीं होनी। आ भी उन्होंने पींग आ वो बेचने लिए लाई ही, तो मैं उत्ते बैठ के फोटो खिचाने लग पी। उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर अं आ बहुत सोहना ही बाहर लाने लिए तो लिखा हुआ एकम कार जिया नू खालस का निवास। तो मैं हसन दई ही दुकान वाले मैं क्या जिया कला नहीं है, मैं वो लैके जाना अपने घर खालस का निवास थले। मैं क्या वी आर नॉट खालसा, खालसा मतलब हूँ प्योरिटी, प्योरिटी ते मन की प्योरिटी, ते दिल की प्योरिटी है ना। मैं क्या वो नहीं अं है, तो कहना नहीं उ अं मैं क्या झूठ कही जाओ तो कही जाओ। ओ माय गॉड, ये जानू जानू सनी ट्रक उत्ते जानू एक बहुत उच्चा है तो इदा दे थोड़ा जहा लग रहा है कि चढ़ते थोड़ा जूस देखो संगत
ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰਕ ਬਹੁਤ ਬਸਾਂ ਬੱਸਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਖਾਓ ਪੀਓ ਓਵਰ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਕਰੋ ਪਰ ਖਾਓ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਓ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਰਿਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਓ ਪੀਓ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਮਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਜੂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਹੱਥ ਪੁੰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਨੂ ਨੇ ਪਲੇਟ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਆਹ ਪਕੌੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੂਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਸੀ। ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਸਵਾਏ ਹੈਗੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਇਹ ਜਸਪਾਲ ਸਨੀ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਆ, ਆਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫੀ 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 ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੈਲਫੀ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸੈਲਫੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਮਿਲਣ ਦੇ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਿਖਾਈ ਉੱਥੇ ਦੋ ਲੱਗੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ, ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੈਲਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਕੁਛ ਪਿਕਚਰਾਂ, ਤਾਂ ਬਸ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਜਾਓ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਰਗਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਡਰੈੱਸਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲੰਧਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਭ ਅਮੈਰੀਕਨ ਬਣੇ ਫਿਰਨੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਾਗ ਆ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਮੇਨ 'ਤੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀ ਰਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਯਾ, ਅਤੇ ਫੋਨ ਨਾ ਖਿੱਚੀਆਂ ਅਗਰ ਕੈਮਰੇ ਨਾ ਖਿਚਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਆਉਣ। ਹੈ ਗਰੀਨਰੀ ਔਰ ਬਾਗ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਖਰੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਪਿਕਚਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਪਾਊਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਪਾਊਂਗੀ, ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਊਂਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਊਂਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਗ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਏ।
नाइस है ना, सारे देखो खड़े आ किसी मूँह किसी वाले आ किसी ना किसी सब, मतलब कि उन्होंने ये नहीं पता कि वो की कर रहे ने, मंजिल की है, बस इन्ना पता कि अं आए हुए हाँ सब लोगों के नाल। घर में अं दो जाने नहीं संभाल सकते, और दो जाने या जा तीन जाने भी हो जाए घर च तो साग गुम होने लग पैंदा कि लोगों का। तो पर जड़ी पल दो पल की पीड़ होंगी वो बहुत इंजॉयमेंट सारे करते हैं। क्यों मतलब सब हर इंसान की फितरत आ कि उन्होंने इंजॉयमेंट दुनिया के नाल ही आती हैगी जाके, तो इस करके लोग बाहर जाते ज़्यादा, कि वो इस करके नहीं जाते। जो सोचो ये बाबा जी ले गए होंगे तो सारे गुरुद्वारे च उठना ही नहीं। तो पर मैं बहुते लोग शॉपिंग करते देखे, बहुते लोग सड़कों पर देखे, ये भैन जी ये भी बहुत चंगे ही, इन्होंने गुरुद्वारा साहब बैठे मैं मत्था टेकन गई आए, कहते मैं तेन टिकटॉक से देख दिनी हाँ, लाइक कर दी तेरी वीडियो, ये भी आए स्पैशल। मैं पुंजे बैठी हुई हाँ, वापस आ गए हाँ, तो अं सनी की वेट कर रहे हाँ ट्रैक्टर चलने, तो अं उ बैठे हाँ, तो मेरे को आए स्पैशल मिलने लाई लाइक इट। या कोई फिर अं आप देखो जी तुर पे हाँ उतों उधर टैक्सा तो होंदे होंदे साड़ी फ्लाइट कैलिफोर्निया तो न्यूयॉर्क आद बहुत टाइम लगता, 6 घंटे लगते हैं। ये सैक्रामेंटो ही आ, सैक्रामेंटो का एरिया वा, रात के टाइम कि नेरा ही अजे 6 बजे अं उतों तुरे हाँ, तो प्लेन मेरा उड़ रहा है वा, तो मैं कहती कि फटाफट मैं इन्ना लंबा टाइम नहीं बैठ सकती यार, डैलस टैक्सास आ गए अं। कितने आए ये अं पहुँच गए जे सटे न्यूयॉर्क लगवाड़िया एयरपोर्ट पर। ये बहुत ही ज़्यादा सोहना बनया, इन्ना ज़्यादा सोहना बनया मैं तुम दस नहीं सकती जिन्ना वधिया लगवाड़िया एयरपोर्ट बनया। इतने भी एक जान पै जाती है, एक्साइटमेंट मिलती है, उन्होंने बहुत सोहना बनाया वा, बहुत शानदार व्यू बनाया वा बार दा सिटी दा, ते सारे लोग पिक्चर कर रहे हैं उत्थे बैठे, ते मैं भी उत्थे पहुंची थकी हुई हाँ, मेरे बाल भी खिलरे हुए आ, वाए नहीं ही क्यों सवेर सवेर तुर पी आओ, खो तो देख सकते होने शीशे बार कितना सोहना व्यू हैगा बिल्डिंग का। ये तो फोटो लाई हुई है तो पहले मैं दिखाया ही है, लव न्यूयॉर्क जानू ये आ गए हूँ अं लिफ्ट बच्चे, फिर वो फोटो लाती मैं आवे फिर पुरानी फोटो जुआ सिटी वाले लाती, इतने तो बाबा जी आ रहे ने ते सारे जने मत्था टेकन लगे आ, ये गुरपुरब जो जाता वा उ कुछ फोटो मैं पहलों अगों पिछों लाती ने। ओके थैंक।